हेलो स्टूडेंट, टुडे इज़ आवर हिंदी टर्न। सो आज हम लोग हिंदी में अपनी व्याकरण का चैप्टर 13 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 13 हमारा क्या है? विलोम शब्द। क्या है विलोम शब्द? यानी अपोजिट वर्ड। इंग्लिश में इसे अपोजिट वर्ड कहते हैं। तो आइए देखते हैं विलोम शब्द होता क्या है। दिए गए उदाहरण देखिए और समझिए बेटा। ये उदाहरण जैसे धनी, ये धनी है और ये क्या है? निर्धन। ये निर्धन है। फिर ये उदय यानी सूर्य उग रहा है और ये अस्त यानी डूब रहा है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब एक दूसरे का उल्टा अर्थ, विपरीत यानी एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो बेटे यहाँ कुछ शब्द हैं विलोम है, आइए हम लोग उसे पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय। चल का अचल। आदि का अंत। कोमल का कठोर। आदान का प्रदान। धर्म का अधर्म। स्वाधीन का पराधीन। पाप का पुण्य। आयात का निर्यात। आय का व्यय। एक का अनेक। हर्ष का शोक। आशा का निराशा। अर्थ का होगा अनर्थ। दयालु का निर्दयी। लाभ का हानि। अमृत का विष। आदर का निरादर। सुपुत्र का कुपुत्र। गहरा का उथला। हिंसा का अहिंसा। नवीन का प्राचीन। जय का पराजय। जीवन मरण। अनुकूल प्रतिकूल। साकार निराकार। यश अपयश। तो बेटे ये सब विलोम शब्द हैं, मतलब हमें जस्ट उसका अपोजिट वर्ड बोलना है। और नीचे क्या है? सज्जन का दुर्जन। सेवक का स्वामी। आदर का निरादर। इसमें साकार निराकार। यश का अपयश। प्रेम का घृणा। तो बेटा ये हमारे कुछ विलोम शब्द थे एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा और लर्न करिएगा। विलोम शब्द क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। उसके बाद कुछ शब्द यहाँ पे भी है, आइए उसे पढ़ते हैं। जैसे अंधकार का प्रकाश। जड़ का चेतन। उचित का विलोम अनुचित। आवश्यक का विलोम शब्द अनावश्यक। प्रत्यक्ष का परोच। उत्थान का पतन। निंदा यानी स्तुति। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति होगा। वीर का कायर। दुर्गम का सुगम। देव यानी भगवान का उल्टा दानव। सौभाग्य का दुर्भाग्य। लिखित का मौखिक। लिखित यानी लिखकर, मौखिक यानी मुँह से बोलकर। आकाश का पाताल। आस्तिक का नास्तिक। तो ये बेटा हमारे कुछ शब्द विलोम थे, हमने इसे पढ़ा। अब आइए हम लोग अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मतलब एक साइड शब्द दिए हैं, हमें उसके विलोम शब्द करने हैं। कोमल का कठोर होता है। गहरा का क्या होता है विलोम शब्द? उथला। लाभ का हानि। हिंसा का अहिंसा। पाप का पुण्य। वीर का कायर। देव का दानव। सौभाग्य का दुर्भाग्य। लिखित का मौखिक। उसके बाद है जय का पराजय। आयात का निर्यात। आय का व्यय। धर्म का अधर्म। आदि का अंत। चल का अचल। हर्ष का शोक। कठोर का कोमल। ऐसे ही आवश्यक क्या अनावश्यक। आकाश का पाताल। आदान का प्रदान होगा। जड़ का चेतन। उचित का विलोम शब्द अनुचित। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। उत्थान का पतन। मित्र का शत्रु। स्तुति का निंदा। आस्तिक का नास्तिक। देव का दानव। बेटा ये हमारा अभ्यास था, ठीक है। तो इसे मैंने जैसे फिल किया है, आप लोग भी अपनी बुक में फिल करिएगा और लर्न करिएगा। उसके बाद है हमारा उचित विलोम शब्दों पर गोले बनाइए और उदाहरण देखिए। जैसे सेवक का विलोम शब्द क्या होगा? स्वामी की नौकर। स्वामी होगा, स्वामी पे गोला बना है, ठीक है। तो ये HW है बेटा, इसे आप लोग खुद से करिएगा बुक में फिल। हिंसा का क्या होगा? अहिंसा। तो अहिंसा पे सर्कल। जड़ का चेतन। चेतन पे सर्कल बना लेंगे, ठीक है। और देव का दानव पे सर्कल बनाएंगे। चल का क्या होता? अचल। तो अचल पे सर्कल बनाएंगे। आय का व्यय, तो व्यय पे, ठीक है। तो इसे HW आप लोग खुद से फिल कर लीजिएगा बुक में। फिर उसके बाद दिया गया है नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। सूर्य पूर्व में रेखांकित शब्द यहाँ हमारा कौन सा है? अस्त। इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है ना, तो अस्त का हमें ढूंढना है विलोम शब्द क्या होता है। अस्त का होता है उदय, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे उदय, ठीक। वैसे ही जीवन में लाभ। लाभ का उल्टा हानि। लाभ का विलोम शब्द हानि होगा। यश का अपयश। यश अपयश लगे रहते हैं।
तो बेटा ये आपको खुद से फिल करना है, ये एच डब्ल्यू है, इसे आप लोग खुद से फिल करेंगे। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित चित्रों को उनके विलोम चित्र से मिलाइए, विलोम चित्र से मिलाना है। जैसे बेटा ये देवता हैं, ठीक है, तो इनका विलोम क्या होगा, दानव है। ये अमीर आदमी है तो इसका क्या होगा, गरीब आदमी से। ये सूरज उग रहा है, ये सूरज डूब रहा है, तो उदय का अस्त। तो ये आपको मैच करना है, अपनी बुक में मैच कर लीजिएगा। ओके।